वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से न्यूमेरिकल हो सकता है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में क्या है कि ना तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है, ठीक है, और ना डी एक्स बाई डी वाई की टर्म, ऐसे न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने सीधी सी बात है वेरिएबल सेपरेबल से सोल्व करना है न्यूमेरिकल, सही बात है, और आंसर आना चाहिए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स में, सही बात है। चार पॉइंट थे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए या फिर वर्किंग रूल चार पॉइंट थे वो याद होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंडीशन थोड़ी ना, अब तीसरा पॉइंट क्या था इन चार में से कि इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, लेकिन कहीं पर भी ये थोड़ी नहीं लिखा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू किसके, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू हमें अगर न्यूमेरिकल में जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कह दें कि डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से है प्लस एक्स इज इक्वल टू वन, सही बात है, तो ये बताएगी हमें टर्म, मतलब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है एक्स, तो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में सीधी सी बात है डिफरेंशियल इक्वेशन में तो डिफरेंशिएशन गिवन होगा, डिफरेंशिएशन गिवन हो, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, तभी तो ये साइन कैंसिल होंगे, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पर इस टाइप से हैं तो हम वो दोनों तरीके सोल्व कर लेते हैं, दोनों तरीके से न्यूमेरिकल, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल लें और डी एक्स बाई डी वाई भी निकाल सकते हैं। हम मेनली हम ये टर्म लेके चलते हैं, ये सोल्यूशन मतलब वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप से, ठीक है, और अगर ये टर्म लेके चलेंगे तो एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई टाइप से सोल्यूशन आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइप से न्यूमेरिकल हो, अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, जो भी तरीका सही लगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई किसे डी एक्स से, सही बात है, जैसे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा और एक बार इसके अपोजिट डिवाइड बाई डी वाई से कर लेंगे, यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स से करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर वाई, यहाँ पर तो डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल, माइनस का साइन, एक्स इंटू में डी वाई ऊपर है नीचे डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ पर थोड़ी ना होगा, और डी एक्स से कैंसिल ये डी एक्स कैंसिल, सही बात है। अब इसके बाद क्या कहा था हमने, एक्स और वाई की अलग अलग मल्टीप्लाई हो, मतलब एक्स और वाई वाले फंक्शन की मल्टीप्लाई अलग अलग हो, अब यहाँ पर तो है एक्स की फंक्शन अलग है वाई का फंक्शन अलग है, दोनों की मल्टीप्लाई है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर एक और काम का पॉइंट है, वो क्या है काम का पॉइंट, अब जैसे यहाँ पर हमने कह दिया कि एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, सही बात है, अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते थे इस टाइप से, जैसे अगर हम यू इंटू वी की बात करें डिफरेंशिएशन की, ठीक है, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल का मतलब दो वेरिएबल है एक्स और वाई, सही बात है। अब यू इंटू वी कैसे अप्लाई होता था, यहाँ पर हमने सीखा था यू इंटू वी कि हो सकता है एक्स और वाई की मल्टीप्लाई हो, क्योंकि एक्स और वाई दो फंक्शन है, ये बात याद रखना, x और y दो फंक्शन की मल्टीप्लाई हो सकती है, वो हो सकता है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो, सही बात है, x इंटू डी एक्स बाई डी वाई हो, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई है तो भी u इंटू v अप्लाई होता है, ठीक है। सेम तरीका यहाँ पर y के, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो, y इंटू डी एक्स बाई डी वाई हो, तो यहाँ पर u इंटू v अप्लाई होगा, और इसीलिए हम हमेशा डी वाई बाई डी एक्स टर्म अलग से लिखेंगे ताकि ये हमें फेस करना ही ना पड़े, सॉल्यूशन यहाँ से भी आएगा लेकिन यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं इससे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले ये पूरी टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी, जैसे या फिर जो भी तरीका सही लगे, माइनस एक्स है एक्स इन टू वाई और ये प्लस का है इस साइड माइनस का वाई, अब ये माइनस साइन हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ पर ये प्लस का, जो भी तरीका सही लगे, और डी वाई बाई डी एक्स निकालना हमने किसके बराबर हुआ है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स से इस तरीके से डिवाइड होता है, यहाँ पर भी, तो क्या बचा हमारे पास, नीचे एक्स है इस तरीके से, ठीक है। अब नीचे तो एक्स है, ऊपर क्या हुआ है, यहाँ पर माइनस एक्स या फिर वाई माइनस एक्स वाई, और वाई कॉमन ले लें कैलकुलेशन बचती है वन माइनस एक्स, जो भी तरीका सही लगे, ठीक है, अगर वाई कॉमन लेंगे ऊपर से वन माइनस एक्स बचेगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमने क्या कहा था दूसरा पॉइंट, इन चार पॉइंट में
ये तो है सिर्फ पहला पॉइंट, और पहले पॉइंट में भी ये इस तरीके की कंडीशन होगी कि यू इन टू वी अप्लाई ना करना हो तो सीधी सी बात है एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी एक्स बाई डी वाई निकाल लो, ठीक है इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या था कि एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ, उससे पहले वाई और एक्स के अलग अलग मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर दोनों फंक्शन के अलग अलग मल्टीप्लाई है इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी वेरिएबल सेपरेबल की बात करें तो, ठीक है इस मेथड में। अब यहाँ पर ये नहीं है कि एग्जांपल के लिए कह दें कि वन माइनस एक्स वाई आ गया अंदर, जैसे यहाँ पर वाई बाई एक्स, ठीक है अब यहाँ पर थोड़ी ना इनको अलग अलग कर सकते हम, ठीक है ये अलग प्रॉब्लम होगी, इसके लिए अलग मेथड होगा, ये बात याद रखना। इसलिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट काम का है कि एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ, बस कुछ नहीं इस वाई को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये डी वाई थोड़ी नहीं जाएगा यहाँ पर, वन बाई डी वाई का इंटीग्रेशन में कोई मतलब ही नहीं होता, ये बात भी याद रखनी है। इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है और किसी के रिस्पेक्ट में वाई हो एक्स हो लेकिन इंटू में होता है, कभी डिवाइड में थोड़ी नहीं सुना है इसलिए, ठीक है तो वाई वाला नीचे आएगा, कहने का मतलब ये है डी वाई बाई वाई, सही बात है। एक्स वाला यहाँ पर जाएगा तो ऊपर है वन माइनस एक्स बाई एक्स, ऊपर दो टर्म है, अब इसके लिए हमने कहा था इंटीग्रेशन आना चाहिए, ऊपर दो टर्म अलग अलग करके लिख लो, एक बार वन बाई एक्स वन के नीचे, एक बार एक्स के नीचे एक्स बाई एक्स वन, इस तरीके से, और इन टू में डी एक्स, और अब इंटीग्रेशन करना है इस तरीके से, सही बात है। अब वन बाई वाई का इंटीग्रेशन, अब वन बाई वाई का इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है, लॉग वाई कहते हैं, लॉग ऑफ वाई, ठीक है इसलिए कहा था इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब ये तो इसकी बात, अब इसकी, ठीक है वन बाई एक्स, अब वन बाई एक्स का किसके बराबर होगा, सबसे पहले दो टर्म है, इसका अलग इसलिए हमने टर्म अलग अलग लिखी थी, वरना तो यहाँ पर वन माइनस एक्स बाई एक्स होता तो यहाँ पर इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाता, और कुछ नहीं है इसलिए अलग अलग कर लो, इसलिए कहा था इंटीग्रेशन में कुछ रूल थे कुछ यहाँ पर टाइप थी। अब वन बाई एक्स का जैसे यहाँ पर वन बाई वाई का था, वन बाई एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी काम की बात है, वन बाई एक्स अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई हो तो फंक्शन ये कॉन्स्टेंट का काम करेगा, इन टू में वाई आ जाएगा, ठीक है जिसके रिस्पेक्ट में हो, लेकिन एक्स के तो लोग एक्स माइनस, अब वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इन टू में जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं माइनस एक्स, सही बात है। अब प्लस ऐड करना था, हमने सी ऐड करना था, अब यहाँ पर सिंपल सी ऐड करें, लॉग ऑफ सी ऐड करें, एक ही बात है सी ऐड करना कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन नेचर के हिसाब से, अब सारी टर्म लॉग में होती तो लॉग कर लेते, अब यहाँ पर एक टर्म अलग है, ठीक है यहाँ पर हमारी चॉइस रहेगी, ये नहीं है कि यहाँ पर कि जो भी तरीका सही लगे, कहने का तो मतलब यही है, ठीक है यहाँ पर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं न्यूमेरिकल को तो भी सही है, अगर लॉग वाई लिख दें यहाँ पर जैसे लॉग ऑफ सी है तो भी सही है, यहाँ पर लॉग यहाँ पर कुछ लॉग के फॉर्मूले अप्लाई कर दें तो भी सही है, ठीक है मतलब सीधी सी बात है। यहाँ पर कुछ नोट भी थे, कुछ नोट किस तरीके से हो सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने इंटीग्रेशन करना है, ठीक है लेकिन पहला नोट तो क्या बनेगा कि ये सी ऐड करना है, दूसरा नोट ये नेचर के हिसाब से करना है ऐड, ठीक है जैसे लॉग है तो सारे फंक्शन लॉग में है तो लॉग में ऐड कर लो, और यहाँ पर तीसरा नोट क्या हो सकता है कि जितना इस न्यूमेरिकल को मतलब इस आंसर को जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हो, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है या फिर यहाँ यहीं पर छोड़ दें इस टर्म की वजह से, ठीक है क्योंकि इसमें लॉग फंक्शन नहीं है, ये भी आंसर होगा, ठीक है या फिर इससे आगे भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लॉग की कुछ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए हमें, किस तरीके से, सबसे पहले लॉग ऑफ ए इंटू बी, मतलब ये सिर्फ इसके साथ, जैसे लॉग एक्स की पावर, यहाँ पर एक तो एक्स की पावर एन लिखे हम और एक लॉग फंक्शन की पावर एन लिखे, दोनों अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है अब जैसे ए की पावर बी है मतलब यहाँ पर फंक्शन की पावर बी है तो ये आगे आ जाती है इस तरीके से, ठीक है लॉग की प्रॉपर्टी हो सकती है ए बाई बी अप्लाई हो जाए, ए बाई बी का मतलब लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी कहते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये अप्लाई कर लेंगे, लॉग ऑफ ए इंटू बी हो तो बस कुछ नहीं करना, बीच में प्लस का साइन दे देना, लॉग ए प्लस लॉग बी इस तरीके से, ठीक है जो भी कंडीशन जिस भी तरीके से न्यूमेरिकल मेन तो यही है लॉग फंक्शन की। और एक और बात, लॉग और ई यहाँ पर रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है जैसे लॉग ऑफ ए है, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन टू में ई वन के बराबर होता है, ठीक है या फिर कभी ये मेन पॉइंट रहेगा यहाँ पर, कभी इस तरीके से लिखा हो तो ई की पावर लॉग एक्स, ठीक है तो भी एक्स इक्वल आएगा, ई और लॉग तो फिर भी कटेंगे,
मतलब अगर पावर में भी हो तो कोई बात नहीं, ये लगते होने चाहिए इस तरीके से, ठीक है। हो सकता है कभी लॉग ऑफ इस तरीके से हो कि लॉग की पावर इस तरीके से हो, कोई बात नहीं, फिर भी एक्स आएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी है लॉग फंक्शन की, ठीक है। ये तो था पहला तरीका कि इस तरीके से डी एक्स से डिवाइड कर लो। मेन तो dy/dx ही निकालते हम, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन थोड़ी ना गिवन है किस किस के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पर dy/dx गिवन है नहीं, तो यहाँ पर ये चॉइस भी हो सकती है हमारी dy/dy। तो dy से डिवाइड करेंगे तो y(dx/dy) बन जाएगा यहाँ पर, सही बात है। माइनस x(dy/dy) कैंसिल xy और dx/dy। तो यहाँ से हम जैसे dy/dx निकाला था, यहाँ से dx/dy निकाल लेना, dx/dy, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर dy, ये dx की टर्म यहीं पर रहेगी, ये जाएगी यहाँ पर, उसके बाद वही स्टेप यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। जो भी तरीका सही लगे, मतलब जब तक ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में ना लिखे हो तभी तक चॉइस है हमारी। अगर यहाँ पर ये इस तरीके से लिख दे फिर नहीं रहेगी ये चॉइस, ठीक है। बस ये लॉ की प्रॉपर्टी इस तरीके से अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।